तो फिलहाल अभी हम इसको लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड अप करके देखेंगे कितना जाएगी। वी आर इनटू द फिफ्थ गियर। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ खड़ी है हमारे पास GT विद द काउल। लास्ट ब्लॉग में आपने चेकआउट किया होगा। तो अभी हम इसको वार्म अप कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं एक शॉर्ट स्पिन के लिए, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वैभव से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया वैभव से मिले हुए। थोड़ी सी चाय वाय पी के आएंगे और निकलते हैं फिर वार्म अप होने के बाद में अपनी GT को लेकर। कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना, जो कंडीशन है उसको तो स्किप कर दो, बट अभी बताना कैसी लग रही है गाड़ी, कितनी ऑसम है। तो फिलहाल चलते हैं और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं वैभव के घर। और वैभव कहाँ है, वैभव की डोमिनार तो भाई यहाँ खड़ी है। बुलाते हैं इसको, फोन वोन करते हैं। बाइक आप लोगों ने काफी टाइम से हमारे व्लॉग्स में देखी नहीं होगी, क्योंकि ये बंदा ही गायब है तो बाइक कहाँ से मिलेगी। नहीं नहीं, कैलिपर्स में जंग आने लगा है, देख रहे हो तुम क्या क्या कर भाई। हवा ही नहीं है, तुम कह रहे हो हवा है, अगले टायर में भी हवा नहीं है। हाँ तो डलवा लेंगे यार अब। देखो देखो चली नहीं है बेचारी तो क्या होगा, हटना डलवा लो यार, डेड हो जाएंगे। ये देखियो ये गैप क्यों हो रहा है इसमें इतना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चली नहीं है, चल बेचो इसे, तुम बेचो, बेकदरी कर रहे हो तुम चीजों की। चलो आओ। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस जगह पर राइड करते करते, और आपको बहुत ही अच्छे से शॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड अप करके देखेंगे कितना जाएगी। वी आर इनटू द फिफ्थ गियर। 120 130, मूविंग टू द 140, एंड नाउ वी आर इनटू द सिक्स्थ गियर। रोड्स में बंप बहुत ज्यादा है। ओ 160 160 160। बट बाइक मेरी हल्की सी वॉबल कर रही है 160 पर जाकर, और वो मुझे पता है क्यों वॉबल कर रही है, क्योंकि अपनी बाइक यार क्रैश हुई थी तो वो सस्पेंशन की वजह से वॉबल मार रही है 160 पर। काफ़ी ज़्यादा तेज़ वॉबल मारा है, तो इस चीज़ को हमें फिक्स कराना है। और इसी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था कि यार बिल्कुल नई बाइक है, नई बाइक की स्टेबिलिटी एक डिफरेंट होती है। ये बिल्कुल भी 1% भी वॉबल नहीं कर रही थी जिस समय मैं इसको लेकर आया था, बहुत बढ़िया चल रही थी। बट अभी हाईवे पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही थी। अभी 160 है, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी स्पीड होती है यार, इतने स्पीड पर तो स्टेबिलिटी अपने आप ही। लेकिन अभी आप चेक कर सकते हो बैलेंसिंग वगैरह तो बहुत सही है, लेकिन जो रिम का इशू है ना उसकी वजह से ये वॉबल कर रही है। तो फिलहाल अभी हम इसको पेट्रोल पंप पर ले जाने वाले हैं। अपनी GT प्यासी है तो इसकी जरा प्यास बुझाते हैं। भाई मजा आया,